वेलकम। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यू के फोर्थ वीडियो पे हैं। तो मतलब हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज हम इसको करने के बाद 40 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द फ्री पार्टिकल कैन प्रोसेस डिस्क्रीट एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी ओनली वन सिंगल वैल्यूड ऑफ एनर्जी नन ऑफ दीज। फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल कैसी एनर्जी रखेगा? अच्छा, टाइमर 10 सेकंड का रहेगा। आपको अगर कम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कंटिन्यूस एनर्जी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व। इन द केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट वी नॉट, हाइट कितनी है पोटेंशियल स्टेप की? वी नॉट। इफ पार्टिकल एनर्जी कितना है, पार्टिकल की एनर्जी ई लेस देन वी नॉट, द ट्रांसमिटेंस इज जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो, इनफाइनाइट वन। टाइमर स्टार्ट। यस, सबने सही सोचा है, जीरो। अगर एनर्जी कम है हाइट से, पोटेंशियल स्टेप की हाइट से, तो ट्रांसमिटेंस नहीं होगा, जीरो। द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एच क्रॉस ओमेगा। जीरो पॉइंट पूछ रहा है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, टू एच क्रॉस ओमेगा, 1/4 एच क्रॉस ओमेगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है। वैसे छोटा सा फॉर्मूले से ये हो जाएगा, मैंने एक वीडियो अटैच कर रखी है इसके बाद। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम वीडियो देख लेंगे। मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है। इसका आंसर है हाफ एच क्रॉस। जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ई एन इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो जीरो स्टेट के लिए ई एन इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा। द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी v v upon 2 2v 3 by 2v। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में पूछी है। लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है अनसर्टेनिटी की, है ना। डेल्टा एक्स किसके बराबर दे रखा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। डेल्टा एक्स दे रखा है एच अपॉन एम वी के बराबर। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सिम इक्वल टू एच के वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो डेल्टा वी जो है वी के बराबर आ जाएगा आपका। सॉल्व नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में साथ में उसके सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, इन रिलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एनर्जी ऑपरेटर इज आई एच अपॉन 2 पाई डेल ओवर डेल टी, श्रोडिंगर इक्वेशन इज पॉसिबल, इट कैन नॉट बी ड्राइव। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई एच अपॉन 2 पाई, अ पार्टिकल कैन पेनिट्रेट द पोटेंशियल बैरियर ग्रेटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई एच अपॉन 2 पाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एनर्जी ऑपरेटर होता है आई एच अपॉन 2 पाई डेल ओवर डेल टी। श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है कि ये पोस्टुलेट है, और पार्टिकल पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट कर सकता है अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल बैरियर एनर्जी से, पोटेंशियल बैरियर से। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल इज अनडिफाइनेबल, और एल स्क्वायर इज गिवन बाय एल एल प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे जब मैंने बोला तो एल जो है स्मॉल एल है, तो एल एल प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एल स्क्वायर की कैपिटल स्क्वायर की वैल्यू है। Which of the following wave function can be solution of Schrodinger equation for all value of x? Psi equal to a sec x, psi equal to a tan x,
psi equal to a e to power x, psi equal to a e to power minus x square. ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया है. किसी को वेव फंक्शन या वेव फंक्शन किस तरीके का होना चाहिए, उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए नहीं याद है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वेव फंक्शन होने के लिए. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, psi इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. क्यों? पहले दो फंक्शन यानी कि psi इक्वल टू ए sec x और ए tan x दोनों डिसकंटिन्यू होते हैं एक तो, और इनफाइनाइट हो जाते हैं x की वैल्यू पे. कौन कौन सी? पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू पे. ठीक है, तो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए ग्राफ और फाइनाइट होना चाहिए. तो ये दोनों डिसकंटिन्यू भी हो रहे हैं और इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ ये दोनों गलत हो गए. सी और डी हमें देखने में एक सा लग रहा है. ए ई टू पावर में है दोनों एक्सप्रेशन, लेकिन एक ई टू पावर एक्स है, एक ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है. तो कंटिन्यूस तो हैं, बट कौन सा वेव फंक्शन इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करेगा? डी वाला, क्योंकि हमेशा माइनस इन्फिनिटी रहेगा, चाहे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रख लीजिए, ये ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा. ऊपर वाले में जब हम ई टू पावर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? फंक्शन शुड बी फाइनाइट. तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. द वेव फंक्शन ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल psi इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स फॉर माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ ए रूट एट बाई थ्री पाई, रूट थ्री बाई एट पाई, रूट वन बाई टू पाई, रूट थ्री बाई टू पाई. टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, बट आप इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इससे करने में. ठीक है, और मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसका छोटा सा सॉल्यूशन दिखा दूंगी कि कैसे सॉल्व किया है. तो इसका आंसर है अंडर रूट एट बाय थ्री पाई. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में वेव फंक्शन गिवन है जो है psi इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, और ये वेव फंक्शन दिया है हमें माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू के बीच में, और हमसे ए की वैल्यू पूछी है. तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन psi psi स्टार डी टाउ इक्वल टू वन. अभी यहाँ पे वेव फंक्शन हमें गिवन है माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो वो लिमिट हो गई. वेव फंक्शन इसमें गिवन है, psi स्टार है हमारे पास ए कॉस स्क्वायर एक्स, psi भी यही है ए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी टाउ की जगह डी एक्स हो गया. एस में वेव फंक्शन है इक्वल टू वन. ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, चाहे तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, है ना, और फिर उसको ओपन करेंगे, या हम इसको अलग अलग कर लेते हैं. तो पहले कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, सिमिलरली वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू वन. वन बाई टू दोनों में से कॉमन आएगा तो ये वन टू स्क्वायर हो जाएगा या फोर हो जाएगा, फोर माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स को, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा वन. इसको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो टू टाइम्स आया ना कॉस वाला टर्म, कॉस टू एक्स प्लस, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू वन. अब फिर ये स्क्वायर हो गया, फिर इसको चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, वन प्लस टू कॉस टू एक्स, प्लस इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू वन. ठीक है,
क्या करें, और यहाँ से 1/2 है, ये 1 है, इनको एक साथ ले सकते हैं, तो 8/4 माइनस 5/2 प्लस 5/2, आप जो है तेज़ी से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्पीड से कर सकते हैं, है ना। तो ये 3/2 बन जाएगा, इन दोनों को मैं एक साथ करूँ 1 और 1/2, तो 3/2 प्लस ये बनेगा हमारा 2 cos 2x, यहाँ बनेगा cos 4x, और ये dx इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो टर्म, 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की टर्म में आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x आएगा, लिमिट है प्लस π/2 माइनस π/2, तो sin 2x में रखेंगे तो ये टर्म भी हमेशा ज़ीरो देगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो देगी लिमिट रखने के बाद। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म हमें ज़ीरो दे रही है, तो डायरेक्ट सिर्फ ये टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मार दिया है कि MCQ है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, ये तो मैं आपको कराने के लिए फिर भी लेंदी कर दे रही हूँ। तो ये टर्म ने ज़ीरो दे दिया, तो यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म दे रही है ना। चलो इसको एक बार फिर भी अलग अलग लिख देती हूँ, dx प्लस a² / 4 इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू प्लस π/2 2 cos 2x प्लस cos 4x dx इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टर्म से हमें मिला a² / 4 इंटू 3/2 x इक्वल टू 1, ये टर्म तो ज़ीरो हो गई लिमिट रखने के बाद, जब हम साइन और के टर्म्स में आएगा, ठीक है। लिमिट कितनी रखेंगे, माइनस π/2 प्लस π/2, तो ये टर्म हो गई a² 3a² / 8 π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका a² 3/8 पाई इक्वल टू 1, और a इक्वल टू √8/3 पाई। द वेव फंक्शन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is given by psi equal to a e to power minus r upon a, where r measures distance from nucleus and a is constant, and the value of capital A is 1 upon root pi a, 1 upon root pi a cube, 1 upon root pi a, 1 upon root pi a to power 5. Time has start ho chuka hai. फिर कह रहे हो पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे भी करने के लिए। इसका आंसर है बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है 1 upon √π a² / 3 और ए क्यूब। सॉल्यूशन देख लीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन दिया है जिसमें शाई गिवन है a e to power minus r upon a, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है और r मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और a कांस्टेंट की वैल्यू आप कैपिटल a कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्मॉल a कांस्टेंट है एक। अब कैपिटल a फाइंड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था लास्ट क्वेश्चन में, शाई स्टार शाई dτ इक्वल टू 1। अब dτ यहाँ पे क्योंकि ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, तो dτ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है r² dr साइन थीटा डी फाई इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट r की लिमिट 0 to infinity, थीटा की लिमिट 0 to π, डी फाई की लिमिट 0 to 2π। लिमिट्स रखिए, इंटीग्रेशन क्या है, 0 to infinity, 0 to π, 0 to 2π, शाई स्टार है a e to power minus r upon a,
शाई है ए ई टू पावर माइनस आर अपॉन ए, डी टाउ की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई इक्वल टू वन। अब इसको आप सॉल्व करिए, है ना, मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। तो देखो फंक्शन तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा लिखा नहीं मैंने, डी थीटा डी फाई। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे यहाँ से फोर पाई आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो और पाई, वहाँ से टू आ गया, टू पाई यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ फोर पाई। अब आपको सॉल्व करना है ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस टू आर अपॉन ए आर स्क्वायर डी आर। अब ये सॉल्व करने का तरीका है, आपको करना पड़ेगा फंक्शन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स एक्स टू पावर एम माइनस वन डी एक्स गामा एम ए टू पावर एम माइनस वन आर स्क्वायर है, तो गामा एम है यहाँ पे, तो इससे एक पावर बढ़कर आंसर में है। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर फोर पाई गामा थ्री, एक पावर ज़्यादा है तो स्क्वायर का थ्री हो गया, अपॉन जो यहाँ पे साथ में है कांस्टेंट सब नीचे आ रहा है, तो यहाँ साथ में कांस्टेंट क्या है, टू अपॉन ए, टू अपॉन ए क्यूब उतनी पावर है ना इक्वल टू वन। यहाँ पे भी बना है ध्यान पता लगा, ऐसे ही लिखे थे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वेर फोर पाई और गामा थ्री की वैल्यू हो जाएगी टू इंटू वन फैक्टोरियल अपॉन टू क्यूब इंटू ए क्यूब इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू स्क्वायर रह जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, पाई नीचे आ गया, ए क्यूब गया, ए क्यूब ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई है। इन द केस ऑफ वेव फंक्शन शाई इक्वल टू ई टू पावर माइनस आई के आर अपॉन आर द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज वी अपॉन आर स्क्वेयर वी अपॉन आर क्यूब वी। टाइम स्टार्ट कर दिया, इसको भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वी अपॉन आर स्क्वेयर ए ऑप्शन, और सॉल्यूशन फिर मैंने साथ में प्लेस कर रखा है। ई टू पावर आई के आर अपॉन आर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट करंट डेंसिटी जे आर इक्वल टू होती है एच क्रॉस अपॉन एम। क्या करना है, इमेजिनरी लेना है किसका, शाई स्टार डेल शाई का, इसका आपको इमेजिनरी फंक्शन लेना है। और वेव फंक्शन क्या है, सिर्फ आर का फंक्शन होना चाहिए, लिख देती हूँ वेव फंक्शन इज ओनली
फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो अब यहाँ से सो जे आर करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे आर एच क्रॉस एम इमेजिनरी। अब शाई स्टार, अब आर का फंक्शन है तो इसको हम डेल को लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल आर शाई, ठीक है। आगे एच क्रॉस एम इमेजिनरी, शाई स्टार की वैल्यू हो जाएगी ई आई की जगह माइनस आई के आर अपॉन आर। अब क्या करना है, डेल ओवर डेल आर करना है शाई का, तो ई टू पावर आई के आर अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिया, ई टू पावर का डिफरेंशिएशन आई के ई टू पावर आई के आर, ठीक है, माइनस, वैसे प्लस आएगा लेकिन मैं वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, है ना। वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नहीं इधर आ जाएगा, तो ई टू पावर आई के आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वल, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एच क्रॉस एम इमेजिनरी, यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर यहाँ बाहर ले लिया है ना, तो यहाँ हो गया वन अपॉन आर स्क्वेयर, ई टू पावर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचा खाली आई के माइनस वन अपॉन आर। हमें क्या करना है, एच क्रॉस एम आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ पे के वाला, ये नहीं रहा, तो यहाँ पे के, ठीक है, ये आपके जे आर की वैल्यू है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे आर इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर, फेयर ये क्या है आपका एच के अपॉन एम, इस पूरे को हमने पी से रिप्लेस कर दिया। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, और फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए सॉल्व करने के, उसके बाद भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेंदी हो गया है, ठीक है। बट अब आगे के वीडियो ऐसे ही होंगे क्योंकि जहाँ पे भी सॉल्यूशन करना होगा टाइम लगेगा, तो मे बी मैं हो सकता है 10 की जगह अब थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट कर दूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बने, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल, है ना, सब्सक्राइब करिए तभी मोटिवेशन मिलता है, और फ्रेंड्स को शेयर करिए। साथ में अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट जो 9th क्लास से है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो मैं जल्दी ही 9th क्लास के MCQs अपलोड करने जाऊंगी, मतलब अभी जब तक उसके सब्सक्राइबर नहीं आ जाते तब तक तो नहीं, तो एटलीस्ट मेरी कोशिश है आप मैसेज को स्प्रेड करिए, 9th स्टैंडर्ड के मैं MCQ अपलोड करना स्टार्ट करूंगी, डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी जुलाई ऑनवर्ड्स, पर सब्सक्राइबर आ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और वो तभी हो पाता है जब आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट, थैंक यू।